ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बैजनाथ ने पूर्व विधायक किशोरी लाल की अगुवाई में शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ बैजनाथ पेट्रोल पंप के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक किशोरी लाल ने कहा, इस सरकार के कार्यकाल में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने से पहले लोगों को अच्छे दिन के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज जनता को केवल महंगाई और परेशानी ही मिल रही है। प्रदेश व केंद्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद हिमाचल को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल पाया है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र जम्वाल ने कहा, आने वाले समय में बैजनाथ कांग्रेस पूर्व विधायक किशोरी लाल की अगुवाई में पूरे चुनाव क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करेगी। केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकारें आई हैं, दिन प्रतिदिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल आसमान पे छू रहे, आसमान के ऊपर है, और जो खाने का तेल है वो भी 2600 रुपये का तेल है, 100 रुपये की बोतल 200 रुपये में बिक रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनदेखी कर रही है लोगों की। किसान 6 महीनों से धरने में बैठे हैं, कोई उनकी कोई सूझ बूझ ले नहीं रहा है। किसानों को जो 3 कानून है उन्हें रद्द करने की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। डीजल और पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार इसमें अंकुश लगाने में असफल रही है, और खाद्यान्न तेल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उनके तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऐसे ही बढ़ते गई तो महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए इस पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें ताकि लोगों को राहत मिल सके। किशोरी लाल जिंदाबाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता।